वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुंभ राशि वालों, हर मनुष्य की तीव्र इच्छा होती है वह अनंत काल तक जीवित रहकर वह अपने अलिए और अपने परिवार के लिए हर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करे। कई लोग आसानी से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो कई जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन कई बार ग्रहों की स्थिति बदलती है तो किस्मत को पूरी तरह से बदल देती है और यही स्थिति जल्द ही होने वाली है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि भले ही आप शनि की 7.5 का दूसरा और मध्यम चरण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु यह 7.5 में भी आपको राजयोग जैसा फल कैसे मिलने वाला है, इनके बारे में वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। 17 जून 2023 को रात 10:50 पर आपकी ही राशि के स्वामी शनि ग्रह आपकी ही राशि में बकरी चाल से चलेंगे, यानी कि आप यह समझ लीजिए कि उनकी उल्टी चाल शुरू होगी। तो क्या वहाँ इस अवधि में आपको विभिन्न प्रकार के लाभ मिलेंगे? दुख, दरिद्रता, कष्ट, हानि, भय के अभिशाप से मुक्त होंगे? व्यापारियों की किस्मत खुलेंगी? क्या वाकई में परिवार, प्रेम, धन, विदेश, शिक्षा आदि जगह पर आपको न्याय मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब पूर्व वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिग्रह आपके जीवन में कैसे बदलाव लाएंगे, इनके बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना नहीं है लेकिन समझना भी है, और मैं चाहता हूँ उसे आप जीवन में उतारिए भी। क्या आप जानते हैं कि वक्री शनि देश दुनिया पर क्या असर करेंगे? तो सुनिए, ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यायाधीश शनिदेव 17 जून से 4 नवंबर तक यानी कि पूरे 140 दिन तक वक्री होंगे, तो वह देश दुनिया में कई बड़े परिवर्तन करवाएंगे या आंधी तूफान के साथ बड़े बड़े चक्रवात को जन्म देंगे। जन धन की क्षति, भारी उथल पुथल के साथ राजनीतिक अशांति कारक प्रभाव में वृद्धि करेंगे। इनका देश की राजधानी दिल्ली पर गहरा असर पड़ेगा। तो 140 दिनों में शनिदेव बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को सराखों के पीछे पहुंचाएगा, तो देश के अर्थतंत्र को मजबूत करेंगे, जनहित के फैसले होंगे। फिलहाल हम आपकी राशि यानी कि कुंभ राशि में 7.5 के बावजूद शनि का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा, इनके बारे में जानकारी देता हूं। कुंभ राशि फल के अनुसार बकरी शनि आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, परिवर्तन मोड पर पहुंचाने और धन के लिए, सफलता के लिए मिलने वाले अवसरों तक पहुंचाने का कार्य करने वाला है। यह खगोलीय घटना आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव भी है। कुंभ राशि वालों, इस वीडियो में हम जानेंगे वक्री शनि आपके लिए राजयोग कैसे बनाएगा और शनि ग्रह आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालेगा। तो उनके लिए सबसे पहले तो आपको एक अहम बात जाननी होगी, क्योंकि शनि के 7.5 के दौरान शनि ग्रह आपकी कुंडली में आपके देह भाव में उपस्थित है यानी कि लग्न में है, और वह आपकी कुंडली में 3 जगहों पर देख रहे हैं और 3 जगहों के फलों को कम कर रहे हैं। लेकिन जब शनि ग्रह वक्री हो गए तो जिस भाव का आपको फल मिल रहा था, या फिर आप यह समझ लीजिए कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, व्यक्तियों का साथ नहीं मिल रहा था, तो अब वहां पर लाभ होगा। आज मैं 3 भावों का फल में विस्तार से बताऊंगा जिस पर शनि का प्रभाव ज्यादा होगा, लेकिन इनके लिए आपको वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि आप जब समझेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि बदलाव कहां पर और किस रूप में हो रहा है। और वैसे भी शनि ग्रह अनुशासन, संरचना, जिम्मेदारी और कर्म का ग्रह माना जाता है, और जब यह प्रतिगामी हो जाता है तो उसकी ऊर्जा अधिक बढ़ जाती है। सबसे पहले प्रथम दृष्टि उनके तृतीय भाव पर हो रही है। चंद्र कुंडली के अनुसार तृतीय भाव में गुरु का प्रभुत्व होता है। सबसे पहले तो वह आपके पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, घर परिवार में माहौल फिर से अच्छा करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी तो वह प्रॉपर्टी अच्छे दामों पर बिकेगी। जो व्यापारी, जो बिजनेसमैन बड़ा अमाउंट लोन के तौर पर लेकर अपने व्यापार, अपनी कंपनी का विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पर असफलता या परेशानी झेल रहे थे
तो 17 जून से वहां पर स्पष्ट रूप से लाभ होगा। शनि ग्रह यहां पर दो घटनाएं घटित करवाएगा। पहली, जिसकी दौलत, जिनकी जायदाद, जमीन या प्रॉपर्टी देश में है और वह विदेश में रहते हैं, तो इस अवधि के दौरान आप अपने देश में जाकर प्रॉपर्टी को अच्छे दाम पर बेच पाएंगे, यानी कि आपका सौदा तय होगा। तो इन 140 दिनों में एक और दूसरा लाभ भी आपको प्राप्त होगा, वह होगा शत्रु से संबंधित। जी हाँ, जब शनि अपनी नजर टेढ़ी करेंगे तो शत्रु से प्रभाव से मुक्ति देंगे। यदि आप व्यापार में भी प्रतिस्पर्धी आपको असफल बना रहा था तो वहां पर आप सफल होंगे। आपके प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, आपकी प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्ट को एक बड़ी ब्रांड के तौर पर देखा जाएगा। और मुझे यहाँ पर आज कहने में जरा भी संकोच नहीं है, यदि आपकी कुंडली में शनि नीच भाव में नहीं होगे, शत्रुओं से प्रभावित नहीं होगी और कुंडली में कोई पाप ग्रहों की युति नहीं बन रही होगी, तो आप मुश्किल से मुश्किल स्थिति से भी बाहर निकल सकते हैं। कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, इन 140 दिनों में बाहर निकल कर रहेंगे। चाहे वह आप कोई घोटाले के कारण फंस चुके थे, किसी ने दगा दिया था, न्यायालय संबंधित मामले चल रहे हैं, तो मुक्ति के दिन ज्यादा दूर नहीं है। शनि की सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर हो रही है। वह भाव भागीदारी, दैनिक कार्य और प्रेम का होता है। इसीलिए जो दैनिक व्यवसाय करते हैं, जैसे कि जिनको धन रोज का रोज मिलता है, ऐसे कई कार्य है जहां पर अब आप मालामाल होंगे। जैसे कि जो मेहनत मजदूरी करते कमाते हैं, उनकी किस्मत बदलेगी। जो यातायात से संबंध रखते, सिनेमा जगत के छोटे छोटे कलाकार हैं, आयात निर्यात का कार्य करते हैं, जो होलसेल का व्यापार करते हैं, तो आपके दुख भरे दिन अब खत्म हो रहे हैं। समझिए कि शनि ग्रह अब कामकाज के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर देगा, स्थायी निवास देगा, आपके व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। जिस सफलता की तलाश में थे, जिस अवसर की, जिस मौके की तलाश में है, वह मौका भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, शनि देवता यहाँ पर ढेर सारा पैसा देगा, बड़ी कंपनी के साथ आपकी डील करवाएगा, भागीदारी से पैसे देगा, तो वह अब आपके प्यार को रिश्ते में तब्दील करेगा। यानी कि आप जिस व्यक्ति के साथ कई महीनों से, कई सालों से संबंध में है, संबंध बनाए हुए हैं और आप चाहते हैं कि उनके साथ शादी हो, तो संभावनाएं जरूर बनेगी। आपका साथी आपको अपनाने के लिए हाँ बोलेगा, क्योंकि शनि ग्रह आपको अपनी प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और जिम्मेदारियों की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। और वैसे भी आप लोग अपने अभिनव और अपरंपरागत प्रकृति के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इस अवधि में आप समाज के भीतर, आप जिस जगह पर कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर अपनी भूमिकाओं पर विचार करेंगे। आप एक नई नौकरी या परिवर्तन लाने के नए तरीकों की तलाश भी करेंगे और वहां पर सफल रहेंगे। हालांकि यह प्रतिगामी अवधि आपके लिए कुछ चुनौतियां भी ला सकती है। आपको आत्मसंदेह हो सकता है, जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए कोई बड़ी चुनौती सामने आ सकती है, जो शेयर बाजार से जुड़े हैं उन्हें बड़ा लॉस हो सकता है, तो आपको शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। इसलिए इस समय के दौरान धैर्य अनुशासन के साथ शनि की साधना आवश्यक है। कुंभ राशि वालों, शनि की पूर्ण दृष्टि यानी कि दशम दृष्टि आपके कर्म, व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस, अधिकार, धर्म और पिता के भाव में हो रही है, तो समझ लीजिए इनसे संबंधित आपके अच्छे दिन 140 दिन तक तो बने ही रहने वाले हैं। यदि आपका कार्य से संबंधित कोई काम अटका हुआ था तो वह इस अवधि में पूरा होगा। जो नौकरी से वंचित है उन्हें नौकरी मिलेगी, जो पद की आशा करते हैं उन्हें पद मिलेगा। यहाँ पर दो चीजें एक साथ होगी, जो बड़े बिजनेसमैन है, प्राइवेट पदों पर स्थित है, उनके कार्य अब सरलता से होंगे। आपके जीवन में धन का अविरत प्रवाह बना रहेगा, आपकी बड़ी डील होगी, सरकार में आपके आवेदन मंजूर होंगे। तो दूसरा लाभ, इस अवधि के दौरान आपको अपने मेहनत के बल पर पहचान के रूप में मिलेगा और शनि ग्रह निजी तौर पर देश के लिए भी तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक सफलताओं का दौर भी लाएगा और विश्व के फलक पर तिरंगे की शान को बढ़ाएगा। कुल मिलाकर यह समय हमें नई सीमाओं का पता लगाने,
आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि आप परंपरागत विचारों को साथ में लेकर शनि भगवान की प्रार्थना करके आगे बढ़ते हैं तो सफलता का दौर आपसे दूर नहीं है। अब देख रहे थे कुंभ राशि फल बकरी शनि का प्रभाव। जय गुरुदत्त, जय गिना।